आओ मिलजुल कर हिंदी दिवस मनाए, जन जन को हिंदी का महत्व समझाए। सुप्रभात, मैं शमशेर आज हिंदी दिवस की पावन वेला पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आज हिंदी दिवस है, तो आज हम कक्षा 5 के छात्र हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज की प्रार्थना सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज के सुविचार के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कामाक्षी को। सुप्रभात, मैं कामाक्षी आज के सुविचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का सुविचार इस प्रकार है, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। मैं खुशी गांधी हिंदी दिवस के उपलक्ष में एक आलेख प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस विश्व भर में बड़ी ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। समस्त देशवासियों के लिए यह एक गर्व की बात है, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को विश्व की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी ने हमें एक पहचान दिलाई है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर दिया। आओ हम सब इस हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं, हम अपनी हिंदी भाषा को का सम्मान करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी, हिंदी नई भावों की अभिव्यक्ति है, हर मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। धन्यवाद। आज मैं वंशिका शर्मा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको परिचित करने जा रही हूँ। पहला, हिंदी की सबसे पहली पुस्तक प्रेम सागर 1805 में प्रकाशित हुई। दूसरा, हिंदी में कविता लिखने वाले पहले कवि अमीर खुसरो थे। तीसरा, हिंदी में सबसे ज्यादा किया जाने वाला शब्द नमस्ते है। चौथा, हिंदी पूरे विश्व के 176 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। पांचवा, हिंदी भारत के अलावा मॉरिशियस, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, गुयाना और टोबैगो में बड़ी संख्या में बोली और समझी जाती है। धन्यवाद। गौरवान्वित करते गीत चक्कर इंडिया पर नृत्य करने जा रही हूँ।